हे गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आ गई हूँ मैं वापस एक नया चटपटा रेसिपी लेके। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बनाना चिप्स, यानी केले का चिप्स। सच्ची बोलती हूँ, जब भी मैं एक बनाना चिप्स यानी केले का चिप्स बाहर से खरीदती हूँ ना, मेरे को बिल्कुल नहीं जमता है। क्योंकि 10-20 रुपये ये लोग लेते हैं, चलो 50 रुपये का भी खरीद लेती हूँ ना, एकदम मेरे को थोड़ा सा ही लगता है। मतलब पेट भर के ना मैं कभी भी केले का चिप्स बाहर से तो खा नहीं पाई। तो मैं सोची चलो मैं आज तो मैं घर पे बनाऊंगी और पेट भर के खाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। सबसे पहले क्या करना है ना, केले को अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद उसे पोंछ लीजिए, उसका छिलका निकाल दीजिए और एकदम गरम तेल पे ना, जो पोटैटो स्लाइजर होता है ना, वो स्लाइजर से ना एकदम डायरेक्टली तेल के ऊपर आप इस पे छोड़ दीजिए, जैसे मैंने किया है। वैसे गाइस, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, यानी अपना शहर या गांव का नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ जा रहा है। तो चलिए रेसिपी में वापस आती हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ दूसरा तरीका भी बहुत ईजी है। आप लोगों को शायद डायरेक्टली तेल पे स्लाइजर से डालने में थोड़ा डर लग सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले से आप कटिंग कर लो। कटिंग करके फिर 4-5 करके ना धीरे धीरे जैसे तेल में मैं छोड़ रही हूँ ना, वैसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे भी सेम तरीका है, एकदम हाई फ्लेम पे पकाइए 1 से 2 मिनट, उसके बाद इसे निकाल लीजिए। वैसे गाइस, बच्चों को केले का चिप्स बहुत पसंद है। आप जो बाहर से खरीद के देते हो ना, लेस, कुरकुरे या कोई भी चिप्स हो, इससे बेटर है कि आप घर पे ना 10-20 रुपया इन्वेस्ट करके केला लीजिए और केला ला के ना गर्मा गर्म तेल पे ऐसे फ्राई करके चिप्स बना के दीजिए। वो सबसे बेटर है एंड हेल्दी भी है। बच्चा क्या, बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चाय के साथ एकदम बढ़िया सा नाश्ता है ये, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए। और ये मेरा जो चिप्स है वो तो बन के एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें डालना है मसाला, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे नमक, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल दिया है और मैंने डाल दिया यहाँ पे चाट मसाला। लाल मिर्ची बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर दो। तो अभी मैं अपने हाथों से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आप चाहते हो कि हाथों का इस्तेमाल ना हो, तो चम्मच के मदद से भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हो। आप इसे कोई टाइट कंटेनर पे रख दीजिए, 1 हफ्ते तक आप इसे रख के खा सकते हो। बहुत टेस्टी है और बहुत क्रिस्पी है, ट्राई जरूर करना। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।